मैं कैसा खा रहा हूँ, मम्मी कैसा खा रही है और इसको देखो। दूध पी रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहा धो ले। तो भाई अपना काढ़ा आ चुका है, तो ये वीडियो मेरी हो गई है अपलोड। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो ऐसा है, आज बहुत काम है। 5 दिन से गाड़ी खड़ी है, वो भी यार हैंड ब्रेक पर खड़ी है। तो पहली बात तो उसको चलाना है, कुछ देर चलाएंगे, इससे इंजन रन हो जाए और गाड़ी भी हमारी थोड़ी वार्म अप हो जाए। एक वीडियो एडिट करके रखी हुई है दूसरे चैनल के लिए, उसको भी कंप्लीट करना है, उसको भी अपलोड करना है। तो आज कुल मिला के पूरा दिन हैक्टिक होने वाला है, बहुत सारा आज काम है। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन काम भी उतना ही ज़्यादा है दोस्तों। अभी जस्ट उठे हैं, नहा धो के फ्रेश हुए हैं, नाश्ता वास्ता करना बाकी है और उसके बाद ये सारे काम कंप्लीट करेंगे गाइस। ये देखो सुबह सुबह उठ के दूध पी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहा धो ले। जल्दी जल्दी नहा लो, आज मैं ट्रिप लेके जाऊंगा तुमको, गाड़ी पे घुमा के लाऊंगा थोड़ी देर। हटा हाथ उठाओ, ठीक है, जल्दी नहा लो, ठीक है, ओके। ये कार्टून वार्टून सुबह सुबह देखने स्टार्ट कर देती हो। चल देखे भाई किचन में क्या बन रहा है, किचन में क्या बन रहा है। चाउमीन हक्का नूडल्स बन रहा है। तो भाई नाश्ता और चाय तो आ गई है, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैं कैसा खा रहा हूँ, मम्मी कैसा खा रही है और इसको देखो। उबला हुआ, उबला हुआ पसंद है क्या? जुकाम हो गया क्या? नहीं, ठीक हो? कूलर रात भर चलाई हो? हाँ, खिला दो, कर रही हो। चलो खाओ खाओ, अपना खाओ। वाइट कलर, एकदम कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, एकदम ब्लैंक, बस बॉईल करके नमक डाल के। चलो ठीक भी है एक तरह से, लेकिन फिर भी यार नूडल्स तो नूडल्स ही है। चलो भाई हम अपने पर कंसंट्रेट करें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ये। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। तो गाइस लगे हाथ वीडियो अपलोड पे लगा दी है, एडिट होने के बाद थंबनेल वगैरह आप देख सकते हैं। थंबनेल मैंने कैसे बनाई, देखो थंबनेल। तो वीडियो इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ और इसको पब्लिश। तो ये वीडियो मेरी हो गई है अपलोड। तो गाइस फाइनली एडिटिंग हो गई है, एक काम तो मेरा आज का ख़त्म हो गया गाइस। वीडियो अपलोड करना भी एक अलग ही टास्क रहता है यार, ऊपर से दूसरा चैनल और खोल लिया ब्लॉगिंग का, सपोर्ट मिलेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। अभी 4 घंटे मेरे को लग गए, तो 1-1.5 घंटा रात में किया था, 1-1.5 घंटा सुबेरे किया था, लगभग 3-4 घंटे लग गए एक वीडियो को मेरे को एडिट करके अपलोड करने में। दोस्त क्या कर रही हो? चाय बना रही हो? अरे इसमें तो गैस ही नहीं है, सिलेंडर कहाँ गया तुम्हारा? ये सिलेंडर खाली है, इसमें तो छेद भी है और हवा भी निकल जाएगी इसमें से। तो गैस खाए, बिना गैस के बन जाएगा क्या? जादू ही गैस है। तो दिन का लंच भी बनने लगा। किस चीज की सब्जी बना रही है? पत्ता गोभी, आलू, मटर। पत्ता गोभी, आलू और मटर की सब्जी बनने लगी। चलो भाई मस्त मिलेगा। आपको क्या चाहिए? क्या करोगी इसका? लो निकालो, इधर से खींचो, इधर से खींचो। देखो ये एल्युमिनियम शीट का क्या कर रही है, वेस्ट करते रहते हो आप, इससे क्या होगा? अरे तो एल्युमिनियम शीट से क्या होगा? किसकी जगह पे जाओगी? पिकनिक की जगह। तो पिकनिक कहाँ मनाओगी लाके? बाहर तो जाना ही नहीं है। यहाँ पे पिकनिक मनाओगी? मैं चला गया, चार गया है बस, चार भी नहीं, सारे एक बाहर है, एक भी नहीं गया है। अभी तो गया था दादी। दादी ढाल नहीं पा रही है अभी, डालेगी दादी, देखना। कम ऑन दादी, कम ऑन दादी, दादी 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 दादी, कम ऑन कम ऑन। आओ जा इधर तड़सन ना, एक चला गया था निकल गया। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं सब्जी ले आते हैं, दिन में 3-4 बज रहे हैं, करीबन 4 बज रहे वाले हैं।
सब्जी ले आते हैं, जिससे क्या होगा कि भीड़ थोड़ी कम रहती है, ठीक है। और उसके बाद नहा धो लेंगे, शाम हो जाएगी फिर तो भीड़ हो जाएगी। शाम होने के बाद क्या होता है ना, थोड़ी भीड़ हो जाती है। देखो भाई, सब्जी की दुकान यहाँ तंबू में लगी है, टेंट में। तो फायदा यह है कि देखो, इस टाइम आने का फायदा यह है कि भीड़ नहीं है, केवल सब्जी वाला है और एक आध आदमी अगर आते हैं तो आते हैं। शाम के टाइम क्या होता है, मस्त एकदम ज्यादा भीड़ हो जाती है। चलो भाई, सब्जी आ गई, उठा लेते हैं। भाई बाहर रखना, अंदर रखना है, बाहर। चलो भाई, सब्जी आ गई एक झोला भर के, छूना नहीं कुछ भी, ठीक है। हम तो भी तोड़ रहा, हम लोग नहाएंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो भाई देखो, जब भी बाहर जाना, आके हाथ पैर मुंह धोना कम से कम, और हो सके तो नहा जरूर लेना। अब देखो, मैं गया नहा लिया, अब दिन में मेरा 2 बार नहाना हो चुका है। अभी देखो शाम तक कितनी बार मैं नहाता हूँ, अब बस देखते हो। अब इस समय लेकिन यार जरूरत भी है, और गर्मी का टाइम चल रहा, नहाने में कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। घर में घुसने के बाद सबसे पहले सैनिटाइजर, उसके बाद कपड़े चेंज और सीधा नहाना। अभी पंखा भी स्लो हो गया, अब इसको चेंज ही कराना पड़ेगा या तो इसको रिकॉइल करवाना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका भी क्या होता है। गर्मी आते ही अपना औकात दिखा देते हैं, ठंडी भर मस्त चलेगा लेकिन गर्मी आते ही ठुस। चलो भाई, दिन का लंच भी आ गया है, लंच करते हैं। देखो पंखा भी खोल दिया, पंखा भी खुल गया, अभी पंखा चला जाएगा बाहर, देखो कब तक रिपेयर हो के आता है। वो भी नहीं रहा था, लास्ट ईयर कंडेंसर चेंज किया था इसका यार, कंडेंसर चेंज करने के बाद भी नहीं घूम रहा था। कंडेंसर तो एकदम नया है, बढ़िया कंडेंसर है। चलिए, कॉइल लग रहा है ख़राब हो गई होगी, रिकॉइल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो गाइस, पंखा खोला था और पंखा मैं दे आया हूँ बाहर बनने को, देखते हैं कितने दिन में वो बना के देता। वैसे तो बोल रहा है कि वाइंडिंग होनी है, कल ही दे देगा, फिर भी देखते हैं। अब कल तक या परसों तक हो सकता है बिना पंखे के मेरे को अपने स्टूडियो में, स्टूडियो ही कहूँगा मैं तो भैया, अपने जो भी एडिटिंग रूम में मेरे को रहना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो, बाहर गया था, अब आया हूँ, फिर मेरे को नहाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, मतलब ये समझ लो दिन में 3 बार या 4 बार किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और आके नहाना पड़ता है गाइस। वीडियो बनाओ, ये करके क्या होगा, ब्राउनी को बुलाए हो, ब्राउनी से तो बात कर लो। कुछ बिस्कुट ला लो उसके लिए, है बिस्कुट। ये डंडा थोड़ी खाएगा यार, तुम भी कैसी बात करती हो बेटा। अरे तो उसके लिए बिस्किट, उसके लिए बिस्किट बिस्किट ले आओ कुछ। अरे उसको पानी चाहिए यार, उसको लग रहा प्यास लगी है। प्यारा ब्राउनी, आज से खिलाना सीखो, मुंह में सीधा डालो उसके, मुंह में। हाँ, नहीं काटेगा बेटा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। देखो उसने पकड़ लिया, अच्छा रखो क्योंकि वो गिर जाएगा। अब मिलेगा ही नहीं, जाओ आपको। अरे दूध पी ले, जा नाचो, खत्म कर दिया डैडू ने, लो चिटकी भर का चूसो। हाँ कैसे वो करना है, एंड वर्ष आगे से करना की डाइन। दादी और जो दादवर, दादी और जो दादवर कहाँ जा रही हो, दूध पियोगी नहीं तो मैं ना पटक पटक मार, पटक पटक के मार खाओगी, चुपचाप बैठो दूध पियो। जल्दी पियो, आ जाओ। क्या हो रहा है, ये महल है, ये कैसा महल है, सीक्रेट डोर भी तो दिखाओ।
ये देखो बेटा, चोट लग जाएगी, उठो, इसको पीछे कर दो ना। मधुमक्खी आने से तो अच्छा ही है। नहीं आएगी मधुमक्खी ना, से अच्छा है कृतिका आ जाए। नहीं लात नहीं मारना, और रुचिमा देखो कहाँ लटक लटक के जा रही है। चलो तुम लोग खेलो 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 तुम लोग खेलो, बाय बाय। गाइस देखो, जो मम्मी ये इंजेक्शन लगाती है, इंसुलिन का इंजेक्शन, आप देख सकते हैं ये 7-8 साल से लगातार लगा रही है। दिन में कितनी बार? दो बार। 7-8 साल हो गया ना लगाते हुए। तो इंसुलिन का इंजेक्शन है भैया, देख लो खतरनाक इंजेक्शन है। और ये खुद ही लगाती हैं, पेन टाइप है अपना, यहाँ से एकदम मस्त घुमाते हैं और उसके बाद पटर 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 दबा देते हैं तो चला जाता है। ये लो रखो, संभाल के रखो भाई। खाना हो गया? हाँ। चलो सुतो। तो जाओ सो, चलो ब्रश करो सो जाके। चलो 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 जल्दी चलो, देख रो ये देखो टाइम देखो, 11:30 बज गया, अभी तक कितना, अभी खाना खा के अभी तक ब्रश नहीं किया। चलो सो, गो ब्रश। मामा गई होगी बाथरूम में, कोई बात नहीं। तो गाइस खाना वाना खा लिया है, बस अब थोड़ी देर में सोने जाएंगे, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बोलना फिर से, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।